खबरें वगैरह देखते हैं, बयान कैसे होते हैं कभी किसी ने नोटिस किया? उनके चार चार बच्चे पैदा करो, एक लीडर आता है यार मुसलमान खत्म कर रहे हैं। कभी बीजेपी का लीडर विकास के ऊपर बात नहीं करता, उसने हिंदू मुसलमान करना है, उसने सिख हिंदू करना है, उसने दलित हिंदू करना है, उसने हमेशा जात पात धर्म को लेकर राजनीति करते हैं बीजेपी के नेता। आज चकबाला की जनता सामने बैठी है, 7 साल 8 साल की हुकूमत होगी, सेंटर का केड़ा मंत्री आया दसो पूछने कि भाई रिफ्यूजी के 5-5 लाख देता है और तो नहीं चाहिए था। आया कोई बाला चक में कोई लीडर बीजेपी का? कोरोना आ गया, आप लोग भूखे मर गए, आगे आपका कुछ नहीं हुआ, कोई आया? हम लोग भी आते, हम लोग आपके बीच में रहते, बल्ला साहब भी आते, बल्ला साहब रोज पूछते थे यार अरेस्ट करा किसी को परेशान किया तो दसवीं। ये कांग्रेस लीडर की खासियत। लेकिन कुछ लोगों को बुखार चढ़ा हुआ था, किसका? मोदी का। कुछ लोग बोलते मोदी मोदी मोदी, वो जिया तुहाडियां भैणां ना साड़ी भैण है, तुंडी भैण है, जिस पार्टी की कमान साड़ी भैनू ने संभाली दी है, साड़ी भैन का फर्ज बनता सारिया एको ही। बीजेपी पार्टी ने खासकर मोदी साहब ने बड़े झूठे लारे दिते, मेरे को पहले भी सारे बोले जेलै स्विस बैंक बिचू सारा पैसा आए, हर साल च मैं 2 करोड़ नौकरियां नौजवान बच्चे ही देगा। त्रीआ उन्हें यह आख्या जी महंगाई है, ओदे बाद उन्हें बार्डर की गल की कि पाकिस्तान और भी इन्हें वायदे किए, मैं गरीबे वास्ते स्कीम लियागा, भैने वास्ते लियागा, अज सारा किस कुछ के सामने तुहें दिखी लिया कि मोदी साहब जदों का आएगा। कांग्रेस ने महसूस किया कि ये सरकार जो पहले दावे करती थी कि गरीब आवाम के साथ खड़ी रहेगी, तो ये साबित हो गया कि वो पूंजीपतियों की सरकार हो गई, अमीरों की सरकार हो गई, गरीब आवाम को रास्ते भी छोड़ दिया। तब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष हुआ, यहाँ पे मीर साहब के नेतृत्व में 45 दिन लगातार सड़कों पे चौराहे पे जोरदार प्रदर्शन यहाँ पे हुआ, ताकि इस गूंगी भरी सरकार को हम जगा पाए। हर एक साथी ने योग दिया, जिन जिन साथियों ने योगदान दिया मैं समझता हूँ वो सारे इस राने यहाँ पे हैं। और आप लोगों ने भी पिछले MP के चुनाव में जब कांग्रेस की तरफ से मेरे को नुमाइंदगी का मौका मिला, आपने भी जो साथ दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जंग हमारी जारी रहेगी जब तक ये सोई हुई सरकार को हम जगा ना पाए, इस अंधकार में डूबी हुई सरकार को जगा ना पाए, क्योंकि ये देश हित में जब गरीब आवाम की कमर टूट जाएगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज कोई भाजपा का MP जो वोट लेने के लिए 30-30 कैबिनेट में से जम्मू कश्मीर में चक्कर लगाया करते थे, चक्कर तो दूर मुंह से बयान तक नहीं दे सके, आज वो है मेंबर पार्लियामेंट यहाँ के चुन के भेजे, यहाँ के कोई नेता जो चुन के जिन जो नुमाइंदगी यहाँ पे करते हैं कि गरीब आवाम का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। और आज मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से सारे हो गया 200 रुपये तेल का, 200 रुपये हर एक वो चीज, चाय पत्ती भी 80 रुपये किलो उसमें इजाफा होगा, तो जहाँ पे गरीब आवाम की बजट तोड़ के रख दी तो कांग्रेस आप लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी है। मैं समझता हूँ कि हर वो मरले में जो 2014 में इन्होंने चुनावी वादे यहाँ पे किए थे कोई वादा पूरा नहीं कर पाए, मैं पूरी जिक्र यहाँ पे किया, लेकिन हम मैं समझता हूँ मैं रिपीट ना करते हुए, लेकिन एक चीज तो हम सारे महसूस करते हैं, रियासत का दर्जा वापस दे दो वो सरकार के चुनाव करते हैं कि रियासत के नौजवानों को रोजगार दे दो।